बहू के जादुई कंगन। एक गांव में रामू अपनी माँ और पत्नी के साथ में रहता था। रामू जंगल में लकड़ियाँ काटता और उनको बेचकर अपने परिवार का खर्च उठाता था। रामू की माँ भी सब्जी बेचकर गुजारा चलाती थी। रामू की माँ उसकी बहू को भी सब्जी बेचने की सलाह देती थी, जिससे कि परिवार की आय बढ़ सके। लेकिन बहू को यह सब करना पसंद नहीं था, बहू को तुरंत अमीर बनना था। एक दिन रामू की पत्नी मंदिर पूजा करने को जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, तू कोई ऐसा रास्ता दिखा जिससे कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊँ। पूजा करने के बाद में रामू की पत्नी घर की ओर चल देती है, लेकिन रास्ते में उसे दो भैंस बातें करते हुए दिखाई देती है। रामू की पत्नी पेड़ के पीछे छिप कर उनकी बातें सुनती है। तुम्हें पता है जंगल में काली पहाड़ी पर देवता विराजित हुए हैं? अच्छा, तो ये मनुष्य लोग उनको पूछते क्यों नहीं है? अरे, इन लोगों को अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बुरी भैंस बता रही थी कि उस देवता की पूजा करने से मुंह मांगा वरदान मिलता है, लेकिन शर्त इतनी है कि उनकी पूजा सुबह 4 बजे की जानी चाहिए। सच कहती हो, लेकिन हमारे नसीब ऐसे कहाँ, ये मनुष्य बहुत नसीबदार है। रामू की पत्नी सारी बात को सुनकर घर की ओर रवाना हो जाती है और अगले दिन सुबह 4 बजे पूजा की थाली हाथ में लिए उस काली पहाड़ी पर चढ़ जाती है। रामू की पत्नी उस देवता की पूजा करती है और पूजा समाप्त होते ही वहाँ से आवाज़ आती है, हे देवी, मैं तेरी पूजा से खुश हुआ, बता तुझे क्या चाहिए। रामू की पत्नी देवता को अपने साथ में चलने के लिए कहती है, लेकिन देवता उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा, लेकिन जिस दिन तुमने किसी को मेरा ये राज बता दिया उस दिन मैं वापस यहाँ पर लौट जाऊंगा। रामू की पत्नी देवता की शर्त को मान जाती है और देवता बहू के कंगन में छिप जाते हैं। रामू की पत्नी उन कंगन के साथ में घर में प्रवेश करती है। शाम को जब बहू गर्मा गर्म खाना परोसती है तो खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि सास और पति खाते रह जाते हैं। सास को बहू पर शक होने लगता है कि यह खाना इसने किसी और से बनवाया है। दूसरे दिन रामू जब काम पर जाता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि आपको काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। रामू अपनी पत्नी की यह बात सुनकर चौंक जाता है कि आज ऐसा ये क्यों बोल रही है, कहीं ये मेरा सपना तो नहीं। रामू फिर उससे पूछता है कि क्या तुम जंगल में लकड़ियाँ काटना चाहती हो। इस पर रामू की पत्नी कहती है, अरे बाबा हाँ, आज आपकी जगह पे मैं लकड़ियाँ काट कर लाऊंगी। रामू कहता है, ठीक है जाओ। रामू की पत्नी जंगल में जाकर अपने कंगन बजाती है तो लकड़ियों का ढेर हो जाता है। थोड़ी देर के बाद रामू जब आराम करके उठता है तो सामने लकड़ियों का बड़ा ढेर देखकर चौंक जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, इतनी लकड़ियाँ काटने में मुझे 1 महीना लग जाए, तुमने आखिर 1 दिन में इतनी लकड़ियाँ काटी कैसे। इस पर रामू की पत्नी कहती है, आप ज़्यादा सवाल मत पूछो, बस इनको बाजार में जाकर बेच दो। रामू बाजार जाकर सारी लकड़ियों को बेचकर खूब पैसा कमा लेता है, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर उसकी पत्नी ने ये किया कैसे। एक दिन रामू और उसकी माँ इस बात का पता लगाने के लिए बहू का पीछा करते हुए जंगल में चले जाते हैं और पूरी बात समझ जाते हैं। रामू की पत्नी को मजबूरन सारी बात बतानी पड़ जाती है और जैसे ही वो इस राज से पर्दा उठाती है वैसे ही देवता बहू के कंगन से वापस काली पहाड़ी पर विराजमान हो जाते हैं।